बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय ऑनरेबल पेरेंट्स एंड माय डियर स्वीट लर्नर्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज हमारा मैथ्स का टेस्ट है। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैथ टेस्ट स्टार्ट करवाने से पहले, रिवीजन स्टार्ट करवाने से पहले आपसे एक बात करना चाहूँगी। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैंने कल अपने टेस्ट में जो वीडियो डिलीवर करी थी आपको, उसमें मैंने ये बात आपको क्लियरली बोला था कि जो नोटबुक्स हैं जहाँ पर हमने टेस्ट राइट करने हैं, वो हमें न्यू परचेज़ नहीं करनी, पेपर पे हमें टेस्ट नहीं करना, हमें ये पेपर अपने पास प्रूफ रखना था, इसलिए क्योंकि यही टेस्ट बाद में हमारे एग्ज़ाम में काम आएंगे। आपको इसी टेस्ट में से हेल्प मिल जाएगी कि हम पेपर भी हम इसी टेस्ट में से डालेंगे। मैंने आपको यही बोला कि नोटबुक अपनी हाफ सेंटर में से कीजिए, पीजी है, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है उनका, आप नोटबुक के सेंटर को हाफ कीजिए और टेस्ट पोर्शन बना लीजिए। उस टेस्ट पोर्शन में से आप जौन सा है वहीं पे टेस्ट पोर्शन में आप अपने बच्चों को टेस्ट राइट करते जाइए। उनके काइंडली पेरेंट्स, बच्चों से ऑनेस्टली टेस्ट लीजिए, यही बच्चों की बेस है। यहाँ निश्चित स्टेज पर बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, बस प्रॉब्लम कुछ करोना एंड देन स्कूल स्टार्ट ना होना। अल्लाह ताला करे कि स्कूल ओपन हो जाएँ और बच्चों का मज़ीद टाइम वेस्ट ना हो। हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 2 था, यहाँ पे हमने 1 रीड किया। पेज नंबर 3 पे हमने 1 की प्रैक्टिस की। पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 4 पे हमने स्फीयर शेप को रीड किया, यहाँ पे स्फीयर की प्रैक्टिस की। पेज नंबर 6 है, पेज नंबर 6 देखिए, यहाँ पे हमने 2 रीड किया था, 2 शॉक्स पढ़ा, यहाँ पे हमने प्रैक्टिस की 2 की। ये सिलेंडर शेप हमने रीड किया था, सिलेंडर शेप की प्रैक्टिस है पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे सिलेंडर की प्रैक्टिस है। ये सोफ़ा सेट है, पेज नंबर 10 पे हमने रीड किया था। ये सर्कल शेप है 11 पे। ये रिवीजन है रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, इसलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड से बता रही हूँ। ये 12 है, यहाँ पे हमने 3 रीड किया, फिर 3 बटरफ्लाइज थी। पेज नंबर 13 पे हमने 3 की प्रैक्टिस की। उसके बाद पेज नंबर 14 है, टूल सेट रीड किया प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने 1, 2 और 3 की प्रैक्टिस की थी। उसके बाद पेज नंबर 16 है, पेज नंबर 16 को रीड किया हमने, मैचिंग थी शेप से रिलेटेड, यहाँ पे शेप्स कट करके लगानी थी, नीचे वाला पोर्शन कट करके ऊपर लगाना था, बिकॉज़ ये पीछे से बिल्कुल क्लियर है, इसलिए हमने कटिंग करके ही इसको लगाना था। ये बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट था जो हमने रीड किया, पेज नंबर 19 था। पेज नंबर 4 पे हमने अम्ब्रेलास पढ़ी, 20 पेज नंबर है सॉरी, यहाँ पे हमने 4 अम्ब्रेलास रीड की, यहाँ पर 4 की प्रैक्टिस थी। देन हमने यहाँ पर क्यूब शेप रीड किया, मैंने आपको क्यूब से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स भी बताए, यहाँ पर क्यूब्स की मैचिंग थी, प्रैक्टिस थी, ये एक्सरसाइज है। इस पेज को हमने स्किप किया था, पेज नंबर 24 को, 25 को भी हमने स्किप कर दिया। देन हमने 5 पढ़ा था, 26 पे 5 रीड किया, 5 गोट्स, यहाँ पर 5 की प्रैक्टिस है, यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। आज का हमारा रिवीजन लेक्चर 27 तक है, क्योंकि हम लोग रिटर्न फॉर्म भी 5 तक ही टेस्ट लेंगे। आज यहाँ पर हम 5 तक टेस्ट क्लियर करेंगे। ओके, रिटर्न टेस्ट की तरफ आते हैं। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, ये देखिए, ये नोटबुक है हमारी, स्कूल की नोटबुक है मैथ्स की, जिसको मैंने हाफ कर लिया। हाफ करने के बाद आज हमारा फर्स्ट लेक्चर टेस्ट है इसका, क्लियरली कि आज हमारा मैथ्स का फर्स्ट टेस्ट है। मेंशन डेट हेयर, टेस्ट मेंशन कीजिए एंड डे मेंशन कीजिए। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, यहाँ पर काउंट एंड राइट है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स काउंट करेंगे, जितने ये ऑब्जेक्ट्स होंगे वो नंबर हम यहाँ पर राइट कर देंगे।
क्लियरली फिर से बता दूं, हम इन नंबर्स को काउंट करेंगे, देन हम इसमें कलरिंग करेंगे। कलरिंग करने के बाद हम जो नंबर होगा वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। ये हमारा नेक्स्ट टेस्ट है मैथ्स का। आज हम 2 पेज का टेस्ट ले रहे हैं, राइट द मिसिंग नंबर्स एज यूजुअल, राइट मेंशन डेट योर टेस्ट एंड डे। राइट द मिसिंग नंबर्स, हमने 5 तक रीडिंग करी, रिवीजन भी की, अभी हम उसी के कॉन्सेप्ट से टेस्ट ले रहे हैं। ये मैंने कुछ मिसिंग लाइंस छोड़ी हैं, 1 के बाद आने वाला नंबर, 3 के बाद आने वाला नंबर, आप यहाँ पर बेटा राइट करेंगे। अपनी मम्मा के पास पहले इसको रीड कीजिए, देन आप इसको राइट करेंगे। ये हमारा टेस्ट है, इसको अपने पास सेव रखेंगे। प्लीज़ बच्चों ऑनेस्टली टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे कि आप जब हम आपको सामने ला कर टेस्ट लें तो पॉसिबल है। पास बच्चे बीच में हो टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते, जो नहीं कर पाते वो थोड़ा थोड़ा सा करके कर लीजिए, लेकिन खुद टेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।